भारतीय रेलवे में विद्युतीकरण का काम जोर शोर से चल रहा है। रेलवे ने 31 दिसंबर 2023 तक शत प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। शत प्रतिशत विद्युतीकरण होने के बाद डीजल इंजन की भी स्टीम इंजन की तरह बीते जमाने की बात हो जाएंगे। आने वाले समय में पूरे भारतीय रेलवे में सिर्फ विद्युत इंजन से ट्रेन चलेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे में 4 मंडल है, जिनमें बीकानेर, अजमेर, जयपुर और जोधपुर मंडल शामिल है। इन चारों मंडलों के कुल 5500 रूट किलोमीटर में से 4000 रूट किलोमीटर पर विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है। बचा हुआ काम भी 2023-24 में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद पूरे जोन में इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलेंगी। वहीं आपको बता दें, बीकानेर मंडल में भी विद्युतीकरण का काम तेज गति से चल रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा इन दिनों बीकानेर के दौरे पर है। वो बीकानेर मंडल का निरीक्षण करने आए। उनसे हम जानते हैं बीकानेर में जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसकी अभी तक क्या प्रगति है पूरे NWR में। उत्तर पश्चिम रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और जोर शोर से चल रहा है, और इसी वर्ष 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य कम्प्लीट हो जाएगा। इसी सिलसिले में अभी मैं आफ्टरनून में सूरतगढ़ की लाइन का इंस्पेक्शन भी करने जा रहा हूँ, वहाँ की प्रोग्रेस भी रिव्यू करूँगा। एक अभी पूरे ब्रांच ऑफिसर्स और DRM के साथ में बैठ के पूरे डिवीज़न की भी प्रोग्रेस रिव्यू करेंगे। इसके साथ साथ अभी मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक उत्तर पश्चिम रेलवे में अभी अप्रैल के एक महीने में जो रोज़गार मेला था, उसमें करीब 6000 लोगों को भर्ती दी गई थी। जो नए कैंडिडेट्स आए हैं, जो नए रिक्रूटीज हैं, उनसे अभी मैं मीटिंग में उनसे मैं मिलने गया था। उनकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है और उनसे डायरेक्ट उनसे बातचीत किया। उनको भी बड़ा उससे कॉन्फिडेंस मिला कि हम उनसे मिले, डायरेक्ट बातचीत हुई, और हमने भी उनको बताया कि रेलवे की क्या क्या अपेक्षाएँ और ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ों पर उन्हें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर के जो चल रहा है, दौर जो चल रहा है, उसको हमें ये जानकारी चाहिए कि कितना काम हो चुका है, कितना काम बाकी है। देखिए, 5500 किलोमीटर पूरा उत्तर पश्चिम रेलवे में जो किलोमीटर है, उसमें से करीब 4000 से ज़्यादा किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, और जो करीब 1300-1400 किलोमीटर बचा हुआ है वो इस साल पूरा हो जाएगा। इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद में क्या ऐसा माना जा सकता है कि डीजल इंजन वगैरह पूरी तरह से बंद हो जाएंगे? देखिए, जो भी ट्रैफिक रहेगा वो मोस्टली इलेक्ट्रिक लोगों पे चला आएगा, और इसके जो सारा कंप्लीट किस तरह से बनेगा, ये पूरे इंडियन रेलवेज़ का नेटवर्क होता है, ये केवल उत्तर पश्चिम रेलवे का नेटवर्क नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, अधिकतर जो है हमारा इलेक्ट्रिक लोगों पे शिफ्ट हो जाएंगे चीज़ें। धन्यवाद। ये थे विजय शर्मा, उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक, जो ये बता रहे थे कि उत्तर पश्चिम रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन का लगभग काम पूरा हो चुका है, और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा होने के बाद में जो डीजल इंजन है वो लगभग बंद हो जाएंगे। हालांकि ये रेलवे बोर्ड का स्तर का काम है, देखने वाली बात है कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कब तक पूरा हो पाता है और रेलवे बोर्ड इस पर कितना निर्णय ले पाता है। कैमरा पर्सन धीरज जोशी के साथ श्याम मारू, सच बेदरक, बीकानेर।